हेलो एवरीवन, दिस इज पूर्वा एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका सेंट जेवियर्स कॉलेज इंटरमीडिएट सेक्शन पूरा कैसा दिखता है, आपके क्लासेस कहाँ हेल्ड होंगे, आपका केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब कैसा है और आपके क्लासेस के टाइमिंग क्या है, आपका यूनिफॉर्म कैसा है, कौन सी बातें हैं जो आपको सारी ध्यान में रखनी है और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। तो प्लीज़ डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें मिस कर दोगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो ये आपके इंटरमीडिएट सेक्शन का मेन एंट्री गेट है, यहाँ से आपको कॉलेज के अंदर एंटर करना है। आपको एंट्री तभी मिलेगी जब आपके पास कॉलेज का आईडी कार्ड होगा। यदि आप किसी कारणवश अपना आईडी कार्ड भूल जाते हो तो आपको एंट्री बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अब ये इंटरमीडिएट सेक्शन का फ्रंट पार्ट है, यही हमारा पार्किंग एरिया भी है। यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट वालों को टू व्हीकल्स में मोटरसाइकिल और बाइक्स और स्कूटी लाना अलाउड नहीं है। आप केवल बाईसाइकिल ला सकते हो, उसके लिए भी आपको पार्किंग कार्ड बनवाना होगा जिसका प्राइस आई गेस 300 और 500 होगा। ओके, तो अब हम यहाँ से स्ट्रेट एंटर करते हैं। एंट्री का आपका टोटल दो तीन रास्ता है, तो ये आपका मेन एंट्री है, आपका यहाँ से हमेशा ही आना जाना लगा रहेगा। तो यहाँ से हम स्ट्रेट एंटर करेंगे। विद्या का अंतिम लक्ष्य चरित्र निर्माण है, सो ट्रू। तो ये आपका नोटिस बोर्ड है, आईकॉम, आईए, आईएससी वालों के लिए जो भी सारे इंपॉर्टेंट नोटिस आएंगे वो सारे इसी नोटिस बोर्ड में दिख जाएंगे, या फिर आपका स्कॉलरशिप वगैरह का जो भी लिस्ट वगैरह आएगा वो यही सारे नोटिस बोर्ड में लगाए जाते हैं। देन ये आपका कॉरिडोर है, यहाँ पर प्लीज़ मेंटेन साइलेंस क्योंकि क्लासेस यहाँ पर रन होते रहते हैं। और इधर में आपका स्टाफ रूम है और वहाँ हमारा प्रिंसिपल का ऑफिस है। ओके, तो यहाँ रूम नंबर 1 है। यहाँ से स्ट्रेट आगे बढ़ेंगे, ये कॉरिडोर आपको दिख रहा है। अगर आपका यहाँ एडमिशन होता है तो इस कॉरिडोर से आपका 2 साल का रिश्ता बन जाएगा और यहाँ पे आपकी बहुत सारी मेमोरीज बनेंगी। ओके, सो ये आपका इंटर मेन ऑफिस है। यहाँ पे आपका अटेंडेंस वगैरह का कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ स्कॉलरशिप का प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ जाकर बात कर सकते हो। देन अगेन ये नोटिस बोर्ड है जहाँ पर आपके हॉलीडेज़ के नोटिस, इंपॉर्टेंट जो भी नोटिस होंगे वो आते हैं। ऊपर हमारा वोकेशनल कोर्स वालों के लिए है। देन स्ट्रेट आगे बढ़ते हैं, रूम नंबर 3। ये सारे रूम्स में साइंस एंड कॉमर्स वालों का क्लासेस होता है। तो पहले ही मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको शांति मेंटेन करनी है, यहाँ पर आपको दौड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप दौड़ते हुए पकड़े जाते हो या फिर हल्ला करते हुए तो आपको पनिशमेंट मिल सकता है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, इंटरमीडिएट सेक्शन में फोन्स आर नॉट अलाउड। तो प्लीज़ आप अपना फ़ोन लेकर ना जाएं। अगर आपका फ़ोन पकड़ाया जाता है तो आपका फ़ोन सीज हो जाएगा डायरेक्ट। देन यहाँ से हम स्ट्रेट आगे बढ़ेंगे। यहाँ से स्ट्रेट आगे बढ़ने के बाद ये आपका केमिस्ट्री लैब है। आपका केमिस्ट्री लैब कुछ ऐसा दिखता है और केमिस्ट्री लैब में आपको एंट्री तभी मिलेगी जब आपके पास प्रॉपर आपका एप्रन, आपका ग्लव्स होगा। और हाँ, यहाँ पर आपको जब भी आपको केमिस्ट्री लैब में जाना होगा तो आपको अपने साथ 2 तरह के हैंकीज, साबुन और माचिस जरूर ले जाना है। तो ये सब भूलिएगा मत, वरना आपको इसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी केमिस्ट्री लैब में। इसके बाद स्ट्रेट हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से स्ट्रेट अब आगे बढ़ने के बाद इधर हमारा अटेंडेंस ऑफिस है। आपका जब कॉलेज डेज ख़त्म हो जाएगा, टीसी वगैरह, क्लियरेंस वगैरह आप लोगे तो यहीं आकर आपको साइन करना होगा अटेंडेंस ऑफिस में। देन अटेंडेंस ऑफिस से अब हम फिर से स्ट्रेट आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा लेफ्ट लेंगे तो ये आपका फिजिक्स लैब है। ये देख लीजिए आपका फिजिक्स लैब कैसा दिखता है। फिलहाल तो ये खाली है, वरना आपको हमेशा यहाँ पर स्टूडेंट्स मिलेंगे कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस वगैरह का लेकर कुछ कुछ मेज़र करते हुए। अब यहाँ से देन अगेन स्ट्रेट आगे बढ़ेंगे, उधर आपका ग्राउंड है जो मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगी आपको।
यहाँ पर बात करें डिसिप्लिन की, तो हमारा इंटरमीडिएट सेक्शन जो है डिसिप्लिन को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आपको कुछ भी स्टाइल वगैरह फॉलो नहीं करना है। एंड बॉयज़ नो हेयर स्टाइल। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि साइड में जो भी बॉयज़ का न्यू न्यू हेयर स्टाइल आता है वो करवा सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मैम, लोग आपको आपका पूरा बाल ही कटवा देगी। ओके, तो ये हमारा रूम नंबर 5 है। यहाँ पर आर्ट्स के क्लासेस हेल्ड होते हैं। और यहीं से अब निकलकर उधर हमारा रूम नंबर आई गेस यस 7 और 8 है। यहाँ इसके अंदर भी हमारा आर्ट्स का क्लासेस होता था। एंड जैसा कि मैंने बॉयज़ के लिए बताया कि आपके लिए कुछ भी हेयर स्टाइल वगैरह मत कीजिएगा, वैसा ही सेम अप्लाइज फॉर द गर्ल्स। प्लीज़ डोंट डू एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा मेकअप एंड स्टाइल्स, क्योंकि वो आपके लिए भारी पड़ जाएगा। एंड आपके लिए ब्लैक शूज एंड ब्लैक ब्लू शॉक्स है तो वही पहनिएगा। गर्ल्स के लिए बेली वाला शूज़ वगैरह मत खरीद लीजिएगा, वरना आपका चेंज हो जाएगा। एंड बाल जो आप भी जो भी हाईलाइट करवाते हो, ब्राउन रेड जो भी, मत करवाइएगा, वरना आपका फिर से वो हाईलाइट ब्लैक में करवाना पड़ेगा, क्योंकि डिसिप्लिन के मामले में हमारा इंटरमीडिएट सेक्शन बहुत स्ट्रिक्ट है। तो अब हम यहाँ से स्ट्रेट ऊपर बढ़ेंगे। हमारा ये फर्स्ट फ्लोर है, ये तो अभी हमारे कॉलेज में पेंटिंग वगैरह की काम चल रही है, तो ये हमारा पहले रीडिंग रूम हुआ करता था। अभी शायद इसे फिलहाल क्लासरूम में चेंज कर दिया गया है। देन इधर से हम अक्सर यहाँ पर बैठकर ग्राउंड का लुफ्त उठाया करते थे। जैसा कि मैंने बताया, अभी कॉलेज का पेंटिंग वगैरह का काम चल रहा है, तो अभी कॉलेज आपको थोड़ा गंदा दिखेगा, क्योंकि कोरोना का टाइम में अभी एक साल कॉलेज बंद था। ओके, तो अब यहाँ से स्ट्रेट आगे बढ़ेंगे। रूम नंबर 9 और 10 इधर ही है, तो अगर आपका कुछ क्लासेस सेल्ड होता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी फाइंड करने में। फर्स्ट फ्लोर में रूम नंबर 9 और 10 है, ये याद रखिएगा। इसके बाद बात करें आपके टाइमिंग की, तो आपका साइंस का टोटल 5 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। आपका क्लासेस का जो टाइमिंग है वो वैरी करता है, बट एक अनुमानित जो टाइम है वो बता देती हूँ। आपका क्लासेस जो होगा वो 10:50 से 4:40 तक होगा। देन इसके बाद सेम आर्ट्स वालों के लिए जो है वो है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। आपका मॉर्निंग टाइमिंग है जो है 6:35 से लेकर 10 बजे तक। एंड सेम कॉमर्स वालों के लिए है जो है 6:35 से लेकर 10:30 तक। देन इसके बाद अब हम यहाँ से वापस आ गए हैं नीचे सीढ़ियों से, और अब हम स्ट्रेट नीचे आएंगे। ये आपका तीसरा रास्ता है आने और जाने का। यहीं से आगे स्ट्रेट बढ़ के आपको ग्राउंड मिलेगा, लाइब्रेरी मिलेगा, कैंटीन मिलेगा। तो फिलहाल मैं अभी आपको आपका लाइब्रेरी दिखा रही हूँ। लाइब्रेरी के लिए आपको आपका लाइब्रेरी कार्ड बनवाना बहुत ज़रूरी है, और लाइब्रेरी कार्ड बनवाने के बाद आपको एक बुक 15 दिन के लिए इशू किया जाता है। उससे अगर आप ज़्यादा लेट करोगे तो आपका पर डे 1 रुपया फ़ाइन लगेगा। तो मैंने क्या किया था, अपने टाइम में एक बुक इशू करवा के रख ली थी और एक मंथ बाद दी थी, और मेरा एक मंथ नहीं आई गेस 2-3 मंथ हो गया था। फिर लास्ट में जब मैं क्लियरेंस निकलवाने गई थी तो मेरा बहुत कितना 200-300 मेरे को फ़ाइन भरना पड़ा था। ओके, तो ये आपका अभी लाइब्रेरी साफ सफाई हो रहा है, क्योंकि शायद आपके क्लासेस जल्द खुलने वाले हैं फ्रेशर्स के लिए। तो यहाँ आपका ये लाइब्रेरी है, ये तो काफ़ी सुंदर बन गया है। हमारे टाइम में लाइब्रेरी ऊपर में था, अभी तो फिलहाल चेंज हुआ है ये। आपको लाइब्रेरी में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स वालों के लिए सारा बुक मिल जाएगा 11 और 12 के लिए। तो आपको ज़रूरी नहीं है आप बाहर से ही कर दो, आप कुछ दिन के लिए बुक इशू करके घर में भी इसे ले जाकर पढ़ाई कर सकते हो। वैसे आप लाइब्रेरी में भी आकर अपने लीजर पीरियड में आकर पढ़ सकते हो। यहाँ पे काफ़ी वैरायटी के बुक आपको मिलेंगे अलग अलग राइटर्स के। एंड यस, ये लाइब्रेरी कार्ड यहाँ पर फ्री में बनता है।
देन यहाँ पे आप जब आगे जाओगे, आगे जाकर राइट टर्न लोगे तो आपका यहाँ पर कंप्यूटर लैब है। कंप्यूटर लैब में एंटर करने से पहले आपको अपने शूज और सॉक्स खोल देने हैं। तो कंप्यूटर लैब आपका कुछ ऐसा दिखता है। अब यहाँ से वापस हम बाहर आएंगे। ये आपका मेन ग्राउंड है और यहीं पे आपका कैंटीन है। तो आप अपने लीजर पीरियड में कैंटीन में आकर बैठ सकते हो, ब्रेकफास्ट अगर आप करके नहीं आते हो तो यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट लंच वगैरह कर सकते हो। लेकिन अगर आप आपका ऐसा होता है कि आपका क्लासेस अंदर चल रहा है और आप यहाँ पर पाए जाते हो तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। ओके, तो ये अब आपका मेन ग्राउंड है। यहाँ से हम स्ट्रेट आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आगे जाकर आपको ग्राउंड मिलेगा और आपका बास्केटबॉल का कोर्ट भी मिलेगा। देन आप मैंने आपका पर्टिकुलर स्ट्रीम आईए, आईकॉम, आईएससी पे अलग अलग वीडियो भी बना दिया है कि आपका यूनिफॉर्म कैसा है, आपका टाइमिंग कैसा है, कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, आप उसे भी देख लीजिएगा। और आपको यूनिफॉर्म कहाँ से ख़रीदना है वो सारे शॉप्स भी मैंने सजेस्ट कर दिया है, जहाँ से आपको आसानी से आपका सारा सामान मिल जाएगा आपका यूनिफॉर्म का। तो आप वो सारे लिंक्स भी देख सकते हो। ओके, सो थैंक यू।